दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इन सभी वर्ड का मतलब अलग अलग होता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि इन सभी का मतलब क्या होता है, आखिर इसका यूज कहाँ होता है। मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हमें यह डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करें या फिर प्लस करें या फिर डिवाइड करें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह रूल बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले भी का मतलब होता है विनिकुलर। विनिकुलर को बार भी कहा जाता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए किसी इक्वेशन में ये इस प्रकार दिया गया रहेगा, तो इसका मतलब होता है विनिकुलर, अर्थात बार पहले दिया है, तो इसे हमें पहले सॉल्व करना है। इस रूल के अनुसार जो पहले आएगा हम पहले यूज करेंगे। यहाँ पर दूसरा का मतलब होता है बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट, ये है दूसरा ब्रैकेट, जिसे सर्पिलाकार ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट कहते हैं, और ये जो होता है वह बड़ा ब्रैकेट होता है। इसके बाद अगला जो आता है ओ, जिसे कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर को ऑफ भी कहा जाता है और हिंदी में इसे का कहा जाता है। जहाँ भी ऑफ या फिर का आए तो उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अगला आता है डी, उसका मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न जिसे हिंदी में भाग कहा जाता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुणा कहा जाता है। ए का मतलब होता है एडिशन, में धन कहा जाता है, जबकि एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, इसे हिंदी में घटाव कहा जाता है। तो इस सारे ऑपरेशन को याद रखिएगा, सबसे पहले हम बार यूज करेंगे, उसके बाद ऑर्डर, ऑफ या फिर का यूज करेंगे, उसके बाद अगला हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस करेंगे, और सबसे अंत में करेंगे माइनस, अर्थात घटाओ। तो ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इससे पहले इसमें बार नहीं दिया गया है, ना ही ब्रैकेट है और ना ही ऑर्डर है, इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं डिवीज़न पहले है, तो हम इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमें चार प्राप्त होगा, उसके बाद हमें अगला इक्वेशन कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करें या फिर प्लस करें, तो यहाँ पर जब आप रूल देखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई है उसके बाद प्लस है, तो आप सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसे प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर आपको 21 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आगे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि आप किस प्रकार इसे यूज करेंगे। सब होता है बार, विनिकुलर या फिर इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यह किसी इक्वेशन में मान लीजिए 4+3 के ऊपर में अगर बार दिया है, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगला होता है ब्रैकेट, उसके बाद अगला आता है ऑर्डर या फिर ऑफ, उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में आता है सब्सट्रैक्शन। तो चलिए इस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 × 12, अगला दिया है 16 / 8 -14, ये इक्वेशन दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर विनिकुलर अर्थात बार नहीं दिया है, ना ही ब्रैकेट है, ना ही ऑफ है। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है डिवीजन से, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमें प्राप्त होगा 2। इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद जो अगला होगा वह मल्टीप्लिकेशन होगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 216। अगला हम लिख लेते हैं 2 × 14। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं एडिशन है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 218 - 14, इसे हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 204। तो इस प्रकार इस इक्वेशन का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर वेनिकुलर अर्थात बार पहले दिया है तो उसे सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। चलिए इस पर आधारित हम आगे प्रश्न को देखते हैं। यह टॉपिक सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण में आता है, इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 3 × 7 प्लस दिया गया है 15 / 45, अगला है 9 प्लस
21 डिवाइड बाई 7, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसे हमें सॉल्व करना है इस रूल के अनुसार, क्योंकि इसमें डिवाइड पहले होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट पहले दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद अगला दिया गया है डिवीज़न, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15/45। इसे हम नीचे ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 प्लस, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। यहाँ पर दो चीज़ है याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है और अंदर में दिया गया है डिवाइड। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दिया रहता फिर भी हम इसे पहले करते, क्योंकि यह ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करना है, इसके बाद इसे हम कटा देते हैं। यहाँ पर कटाने पर हमें प्राप्त होगा 5, इसे हम कटा देते हैं, हमें प्राप्त होगा 3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6। उसके बाद अगला होगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले ऐड नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको प्राप्त होगा 21 और इसे प्लस 6, इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 27। तो इस प्रकार आप जब भी बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न आएंगे, इस प्रकार का इक्वेशन आएगा, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 भागित 12.5 प्लस 0.25 गुणा 0.05 और यहाँ पर दिया गया है 0.0125। आप प्रश्न देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए आप लिख दीजिए 12.5, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है, यहाँ पर हमें इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त हुआ 125 और हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है पीछे से, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 0.0125। इसके बाद अगला हम इसे कटा देते हैं, कटाने पर हमें प्राप्त होगा 0.1 और इसे कटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 25 और यहाँ पर जो दशमलव है वो यहाँ पर लगेगा। इसे हम दशमलव को हटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/25 प्लस 0.0125 माइनस 0.0125। अगला हम करेंगे एडिशन, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इसे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा 0.04 प्लस 0.0125 माइनस 0.0125, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 0.0525 माइनस यहाँ पर दिया गया है 0.125। इसे घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4। तो ये इसका आंसर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रूल को याद रखिएगा, सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद अंत में सब्सट्रैक्शन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भिन्नों पर आधारित है, यह भी बोर्ड मास के रूल से ही बनेगा। भिन्न पर आधारित पहला प्रश्न है 1/2 भागित 1/2 का, यहाँ पर है 1/2। अगला दिया गया है भाग में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बार नहीं दिया गया है, सेकंड ब्रैकेट दिया गया है और उसके बाद का दिया गया है। तो ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही है, उसके अंदर जो का दिया गया है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1/2
भागित इसे जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4। इसे गुणा इसलिए पहले करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं, यहाँ पर जो का है ऑफ उसे पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। अगला हमें दिया गया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे हमें प्राप्त होगा 1/4। इसे हम अब कोष्टक को सॉल्व करना है, ब्रैकेट आप देख सकते हैं कोष्टक के अंदर डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई रहता फिर भी हम कोष्टक के अंदर को पहले सॉल्व करते, तब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो है वह पलट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसे हम इस प्रकार लिख लें, जो 1/4 है वह 1/2 के नीचे आ जाएगा, और जब हम इसे पलटा देंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा इसको पलटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 × 4/1। इसे हम कटा देते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 2। अगला हम लिख लेते हैं, इसे जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या फिर आप इसको तिर्यक गुणा से भी सॉल्व कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 4+2/8। यहाँ पर जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 भागित, जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6/8। इसे कटा देते हैं, हमें प्राप्त होगा 3/4। तो यहाँ पर भी डिवाइड दिया है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह पलट जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें आंसर प्राप्त हुआ वह आंसर प्राप्त हुआ 8/3। तो इस प्रकार आप इस रूल को फॉलो करते हुए सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले का को सॉल्व करना है, का यू मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसे हम मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद डिवाइड करेंगे, और कोष्टक के अंदर जो भी ऑपरेशन हो, जो भी साइन दी गई हो, उसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार भिन्न पर आधारित है। अगला प्रश्न दिया गया है 2 सही 3/4 / 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 मल्टीप्लाई 3 सही 4/5। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ जिसका मतलब होता है का, उसे पहले सॉल्व करना है क्योंकि इसमें ब्रैकेट और बार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है कि बीच में प्लस का साइन है, या फिर अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसे ऊपर से जोड़ देंगे। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, और 8 को जब 3 से जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 11/4। इसे भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 16, और 16 को जब 5 से जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21। ये इन दोनों को गुणा करने पर 16 प्राप्त होगा और ऊपर से इसे जोड़ना पड़ेगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं जब इसे गुणा कर देंगे तो 16 प्राप्त होगा और ऊपर से जोड़ देंगे तो 19 प्राप्त होगा, इंटू इसे जब हम करेंगे तो 15 और ऊपर कर देंगे तो 19/5। यहाँ पर इसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 21/19, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 32 गुणा यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 19/5। इसे जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यह पलट जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 21/19। इसे हम कटा देते हैं, कटाने पर हमें प्राप्त होगा 8, और यहाँ पर हमें आगे मल्टीप्लाई में दिया गया है 19/5, तो ये इससे कट जाएगा 19 से, और बाकी जो बचे हैं वही आंसर है। तो इसे जब हम गुणा कर देंगे 11 को 8 से तो हमें 88 प्राप्त होगा, और इन दोनों को गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 105। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। यह केवल रूल को याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी।
तो चलिए भिन्न पर आधारित प्रश्नों के बाद हम वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न देखते हैं। यह भी सरलीकरण का एक हिस्सा है। सरलीकरण के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि दो फार्मूलों पर आधारित होते हैं। हमने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जबकि अगला हमने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे आप जानते होंगे। उसी प्रकार हमने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो इन सभी पर आधारित प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करेंगे। यह वर्गांतर पर आधारित प्रश्न कहलाते हैं और यह सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन का ही हिस्सा है। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी पर आधारित एक और प्रश्न है 0.0064 माइनस 0.0016। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे दिया गया है 0.08 माइनस 0.04। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है वह 0.08 का वर्ग है। 0.08 का अगर हम वर्ग लिख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0064। वहीं 0.04 का अगर हम वर्ग निकाल देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0064। यह जो है वर्ग है, अगर हम वर्ग को वर्गमूल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो दशमलव है वह चार अंक के बाद लगा है, तो यहाँ पर जो दशमलव होगा वह दो अंक के बाद लगेगा। और नीचे में हमें दिया गया है 0.08 माइनस 0.04, इसे आप देख सकते हैं यह बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.08 माइनस 0.04 ए माइनस बी, और अगला लिख देते हैं 0.08 प्लस 0.04 अपॉन में रहेगा 0.08 माइनस 0.04। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हमें आंसर प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 0.12, और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो इसे याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो इन दोनों को घटा दीजिए और इसे भी घटाकर अगर आप कटाएंगे तब भी आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। परंतु यह जो तरीका है वह बहुत ही आसान है। आपको पता होना चाहिए कि यह किसका वर्ग है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे में भी देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार अरेंज होता है कि जो नीचे वाला जो ऊपर वाला होगा वह नीचे वाले से कटेगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि यह किसका वर्ग यहाँ पर दिया गया है, उसी के अनुसार आपको अरेंज करना है। सरलीकरण में अगला टॉपिक होता है घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घन का जो फार्मूला होता है उसे हम देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। यह चार इक्वेशन होते हैं। इसमें जो ऊपर वाला रहेगा वह इसी फॉर्म में दिया रहेगा, जबकि नीचे वाला अलग रहेगा, और जो ऊपर और नीचे आपस में कटेंगे इस प्रकार सभी प्रश्न अरेंज होते हैं। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वहीं जो अगला होता है उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका जो फार्मूला होगा वह होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। इसमें सभी जगह माइनस साइन होंगे, जबकि ऊपर वाले में सभी जगह प्लस साइन होंगे। यहाँ पर बाहर में माइनस रहेगा और यहाँ पर अंदर में माइनस रहेगा। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 1.8 गुणा, अगला दिया गया है 1.8 और तीसरा दिया गया है 1.8 माइनस 1.3 1.3 गुणा 1.3। अगला हमें नीचे बताया गया है 1.8 गुणा 1.8 प्लस 1.8 गुणा 1.3
अगला दिया गया है 1.3 गुणा 1.3। इसमें अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि जो ऊपर वाला होगा वह नीचे वाले से कट जाएगा। तो यहाँ पर 1.8 को आप ए मान लीजिए और इसे आप मान लीजिए बी। तो ये 3 हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.8 का क्यूब माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 1.3 का क्यूब अपॉन, नीचे में लिखेंगे ये है 1.8 का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 1.8 गुणा 1.3 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.3 का स्क्वायर। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, नीचे में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह कुछ इस प्रकार है, ऊपर आप फार्मूले को लिख लीजिएगा और नीचे का कट जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला नीचे में दिया गया है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मतलब है 1.8 और बी का मतलब है 1.3। तो इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने पूरे फार्मूले के रूप में लिखा है, यहाँ पर है 1.8 और यहाँ पर है 1.3। इसी प्रकार तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर जो बचेगा वही आंसर होगा। इसे जब हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5 और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है और नीचे भी जैसे स्क्वायर में दिया है और इसी फार्मूले में यह फिट होगा, आपको ऊपर का फार्मूले को एक्सपांड कर देना है और ये आपस में कट जाएंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी के जगह अगर प्लस वाला रहता तो आप प्लस वाला फार्मूला यूज करते तो आंसर कुछ दूसरा आता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रतिशत पर आधारित है और यह सिंप्लीफिकेशन पर आधारित 5वां टॉपिक है और यह अंतिम टॉपिक है। प्रतिशत पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसमें जो चीज़ हमें ज्ञात करना रहेगा उसे हम एक्स मान लेंगे और बाकी बोर्ड मास का जो हमने रूल देखा उसके अनुसार हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 640 का 150% प्लस 40 इक्वल टू का 120% प्लस 160। ये हमें प्रश्न में दिया गया है, हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर जो है उसे हम x मान लेंगे और यहाँ पर का पहले यूज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ का मतलब होता है का, जिसे ऑर्डर या फिर ऑफ कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 640 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे हमें पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर हम प्रतिशत लिख देते हैं प्लस 40 और यहाँ पर x मान लेते हैं x का 120% प्लस 160। यहाँ पर जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो हमें डिवाइड 100 करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने प्रतिशत हटा दिया, यहाँ पर हमने डिवाइड 100 कर दिया, इक्वल टू x इंटू 120/100 प्लस 160। यहाँ पर जब हम इसे कटा देंगे तो यहाँ पर एक जीरो कटा, यहाँ पर एक जीरो कटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 960 प्लस 40 इक्वल टू, इसे जब हम कटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6/5। यहाँ पर हम लिख देते हैं 6x/5 प्लस 160। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1000। इसे हम इस साइड ले आते हैं तो हमें प्राप्त होगा 160 माइनस में और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 6x/5। इसे अगर हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 840 इक्वल टू 6x/5। इसे हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसे हम कटा देते हैं, कटाने पर हमें प्राप्त होगा 1 और हमें प्राप्त हुआ 140। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान 700। तो इस प्रकार याद रखिएगा यह बोर्ड मास का रूल ही यूज होगा, का के जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो हमें भाग जो डिवाइड होगा उसमें 100 का भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने प्रतिशत हटाया और 100 का भाग किया। इस प्रकार जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा।
चलिए प्रतिशत पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। प्रतिशत पर आधारित अगला प्रश्न है 240 का 25 प्रतिशत प्लस 360 का 1 प्रतिशत बराबर 570 का 20 प्रतिशत, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसे लेते हैं 140 का 25 प्रतिशत। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा प्लस 360 का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर हम x मान लेते हैं और जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 570 का 20 प्रतिशत। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम कटा देंगे तो ये 4 से कट जाएगा, इसे हम कटा देंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। प्लस जब हम इसे कटा देंगे, यहाँ पर कटाने पर 5 प्राप्त होगा, इसे जब हम 2 से कटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 18। तो इसे हम लिख लेते हैं 18x/5 इक्वल टू, इसे हम कटा देते हैं तो यहाँ पर जब हम इसे गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 और इसे हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। इसे हम उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 18x/5 बराबर, जब हम उसे पक्षांतर कर देंगे तो यह माइनस हो जाएगा और माइनस जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 54 इक्वल टू, हमें इस साइड प्राप्त हुआ है 18x/5। इसे हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तिर्यक गुणा करने पर 5 यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 18। 18 को जब हम काट देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर जो x का मान होगा वह हमें प्राप्त हुआ 15। तो इस प्रकार आप प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। प्रतिशत को हटाने पर भाग 100 होगा, का मतलब होता है गुणा, और जब आप इसे पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न में x का जो मान है वह 15 प्राप्त हुआ। तो सिंप्लीफिकेशन पर आधारित कुल 5 प्रकार के रूल को हमने पढ़ा। पहले रूल में हमने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा, सिंपल ऑपरेशन, उसके बाद वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को देखा, उसके बाद घन के अंतर पर आधारित प्रश्न देखा, यह जो है भिन्न पर आधारित, और अंत में हमने देखा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो सिंप्लीफिकेशन में कुल 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं और कल के वीडियो में हम आगे सिंप्लीफिकेशन पर आधारित ही अगला प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।